उसमें लाए रखमान रही तो वी आर डूइंग एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट और इसमें हम जो बात कर रहे थे कि कॉस्ट बेनिफिट की डिटेल जो है कॉस्ट बेनिफिट को काफ़ी नेगेटिवली भी लिया जाता है और इस पर कंसर्नस दिए जाते हैं कि हम इतनी कॉस्ट इस पर इन करें या ना करें तो वट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट वट आर द वेज एक तरह से कहा जाता है कि जी ये ई आर एम से क्या होगा हमें एक फर्दर लेयर ऑफ कॉस्ट हमारे पास ऐड हो जाएगी हमें एडमिन कॉस्ट में इंक्रीज आ जाएगी तो दिस परसेप्शन ऑफ हाई कॉस्ट मे होल्ड टू समाइम सम टाइम इन अ सेंस के विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल कॉन्टम के अब हमें एक रिस्क ऑफिसर हायर कर रहे हैं अ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव हायर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसके साथ टीम होगी पूरा स्ट्रक्चर होगा तो दैट मीन डेफिनेटली उसकी कॉस्ट तो है प्लस हमें फर्दर एच आर की नीड्स और ऑपरेशनल नीड्स तो इट इज़ अ कॉस्ट टू बी इनकर मे ऑल्सो आइडेंटिफाई रिस पोटेंशियल इश्यूज दैट रिक्वायर मिटिगेशन प्लान एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंसिडरेबल रिसोर्स टू सपोर्ट दोज प्लान सो अब अब ये जो इनकी जो फाइंडिंग्स हो सकती हैं इनके साथ जो टूल्स दिए जाएंगे वो भी हो सकता है कि कॉस्ट हो के हो सकता है ये आर हम कहे जी कि ये हमें एक स्पेसिफिक सेफ्टी मैयर करना है उसकी इतनी कॉस्ट है या हमने स्पेसिफिक ये हेजिंग कार्ड एक्सरसाइज करनी है उसकी इतनी मिलियन कास्ट है तो डेफिनेटली द कॉस्ट पार्ट इज़ देअर तो उसको हम कोई डिनाई नहीं करें जी ये फ्री में आ जाएगी जीरो कॉस्ट होगी ऐसी बात नहीं है तो दिस परसेप्शन इज ट्रू दैट इट हैज़ अ कॉज एंड विद इज डेफिनेटली अ टेंजल कॉज इन फ्रंट ऑफ आर तो ई आर एम मे बी वी वुड एज क्रिएटिंग एडिशनल बिजी वर्क दर डिस्ट्रैक्ट मैनेजर फ्राम दरअ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रनिंग द बिजनेस एक और इस पर जो चैलेंज किया जाता है या क्रिटिसिजम आता है कि जी जो मैनेजर हैं अगर वो इस तरफ लग जाएंगे ई आर एम की तरफ लग जाएंगे तो वो जो अपना बिजनेस का कोर काम है उससे डविएट हो जाएंगे अब डेफिनेटली जो एक सी आर ओ है उसका तो काम ही रिस्क है ना बट अदरवाइज हमने तो कहा है रिस्क कल्चर लेना है एवरी वन हैज़ टू वी इन टू दिस तो इट विल डेफिनेटली रिक्वायर सम ऑफ द टाइम तो ये एक बड़ी परसेप्शन है कि जो अपना कोर काम नहीं करेंगे विच इज़ इन फैक्ट नॉट ट्रू क्योंकि जो मेन उसको रिस्क मैनेजमेंट भी ली जा रही है वो कोर बिजनेस के लिए ही ली जा रही है बट अगेन दिस कंसर्न एंड चैलेंज इज देयर दिस प्यू ऑफ ई आर एम एज चेक द बॉक्स एक्सरसाइज डन आउटसाइड ऑर्डनरी जॉब रिस्पांसिबिलिटीज अंडर कैट द ट्रू वैल्यू ऑफ ई आर एम के ये जी एक एडिशनल टास्क दिया जा रहा है एडिशनल काम है इनफैक्ट इट्स नॉट एन अडिशनल थिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन सिस्टम जो कि उसको गवर्न करता है एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल शुड आइडेंटिफाई एन एस एस पोटेंशियल रिस्क इन ऑर्डनरी बिजनेस और डेली हम ये नहीं मना करते है। वो कहते जी हर एम्प्लॉ ने करना होता है तो वाई वी नीड दिस तो दैट इज फाइन बट वेद विद ई आर एम इज डिजाइन एंड पार्ट ओ अंडर स्कोर इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटीग्रेटेड रिस्क असेसमेंट इंडिविजुअल लेवल मैंने देखा मुझे ये रिस्क लगा मैंने उसको एसिड देख लिया दूसरा बंदा आया उसकी रिस्क अपनी असेसमेंट नॉट दैट सो वी डोंट वॉन्ट दैट इज द ई आर एम वॉन्ट अ स्टैंडर्डाइज एंड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अटास दैट बोर्ड एंड मैनेजर एम्प्लॉय ऑलरेडी शुड बी अंडरटेकिंग ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इनफॉर्मली कर रहे थे अब ई आर एम रिक्वायर्स यू टू डू इट formally, so it's not asking you to do anything new. It's asking you to do it in a formal and better way. ERM is not new or additional work. It is more disciplined and effective way to perform that work. तो so बात वही बात है कि ये कोई नई हम चीज़ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो आप काम कर रहे थे कुछ इनफॉर्मली आप देख भी रहे थे हम कह रहे हैं कि उसको बेहतर तरीके से किया जाए स्ट्रक्चर्ड वे में किया जाए और स्टैंडर्डाइज किया जाए A रिस्क risk एंड and अप्रोच टू to आर ERM might माइट सजेस्ट दैट कंपनी valuable yet risky opportunity. रिस्की ऑपरचुनिटी एक और जो इस पर एलिगेशन आती है या जो कंसर्न आता है कि ई आर एम कहता है कि जी आप कोई रिस्क काम ना करें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें रिस्क भी था लेकिन उसके रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा थे तो ई आर एम की वजह से वो नहीं ली जाएगी तो इन अदर वर्ड ई आर एम माइट कॉज कंपनीज टू बिकम टू रिस्क एवर्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल कहेंगे कि जी रिस्क ना ले ऐसी भी कोई बात नहीं है इज नॉट देयर टू टू डिस्करेज यू टेक अपॉर्चुनिटीज इट इज देयर टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन ग्रेटर तो ये भी एक जो एलिगेशन आती है दैट्स नॉट इवन द ट्रू बट द परसेप्शन इज अगेन देयर इन द माइंड बोर्ड में रिजेक्ट ई आर एम बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट और एप्लीकेशन टू कंपनीज ये भी एक इशू है कि मैं किसी को कहूँ आप ये एक टास्क कर दें अगर उसको उसकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उसकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है जो कि एग्जिस्टिंग बोर्ड जो पुराने पैटर्न पे आ रहे थे जिन्होंने नए स्किल्स नहीं लिए तो वो कहेंगे कि इफ़ दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस वो कहते हैं नहीं हमें ज़रूरत नहीं है हमने करना नहीं है तो वो एक जो चेंज वाली बात है एवरी वन इज़ रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट चेंज वो बोर्ड लेवल पे भी देखा जाता है कि वो कहते हैं जी नो वी डोंट नीड इट वी डोंट इट स्टडी ऑफ of डायरेक्टर्स इंडिकेट दैट that नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डायरेक्टर रिपोर्ट एज डेडिकेटिंग ओनली फोर्टीन परसेंट ऑफ देयर टाइम टू रिस्क मैनेजमेंट इन्होंने एक सर्वे किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कितना वेट दे रहे हैं तो वो देखा गया कि बहुत कम वेट दे रहे हैं और ओवरऑल टाइमिंग पॉइंट से भी अगर उसको गेज किया जाए तो 100 में से सिर्फ 14 परसेंट टाइम इन्होंने इस टास्क के लिए दिया जो कि इट्स नॉट द जस्टिफाइड बिकॉज दे शुड बी स्पेंडिंग इट मोर टाइम ऑन इट बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और इतना वेड है बट स्टिल बींग द पॉइंट जब ने पहले बात की है अंडरस्टैंडिंग इशूज प्रसप्शन इशूज उस पर पीपल आर रिलट ईआर कैन फेसिलिटेट साउंड कॉर्परेट गनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात तो सब करते हैं बट ई आर एम पे थोड़ी रिलेक्टेंस है तो ई आर एम इज अ कॉम्प्लीमेंटिंग थिंग टू दैट सो ई आर एम सपोर्ट कॉर्परेट गवर्नेस अच्छी कॉपोरेट गवर्वनेंस इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रक्चरिंग कॉरपोरेट गवर्नेस गुड डायरेक्शन में ये हेल्प आउट कर रहा होता है रादर देन इट्स कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर प्लानिंग कंपनीज कैन इम्प्लीमेंट ई आर एम इन मैनर दैट मिटिगेट मोर देन फाइनेंशियल रिस्क तो एक ये भी परसेप्शन है कि सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क होता है ट्रांजेक्शन में इट्स नॉट दैट ये अदरवाइज मैनी टाइप्स ऑफ रिस्क आर देर तो ई आर एम विल हेल्प यू डील विद दैम एज वेल दे कैन इम्प्रूव कम्यूनिकेशन एंड डिसिप्लिन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एड्रेस कि अब बोर्ड को यह हेल्प आउट कर सकता है कि अच्छे लेवल पर क्या डिसीजन ले सकते हैं तो उनको ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म अच्छी इन्फॉर्मेशन बेस देगा क्रॉस फंक्शनल रिस्क सच एज लीगल ऑपरेशनल एंड पर्सनल मैटर तो यानी कि रादर देन जस्ट फाइनेंशियल ये ऑपरेशनल रिस्क पर्सनल लेवल इंडिविजुअल में क्या रिस्क समय आ सकते हैं क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंटल रिस्क तो ये इन सब को हेल्प आउट करेगा इनको मैनेज करने में इनको समझने में इनको एड्रेस करने में इन एडिशन अफेक्टिव ई आर एम प्रोग्राम में हेल्प बोर्ड कंप्लाई विद वेरियस लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने अभी आपको पहले बताया है कि रेगुलेटर का बड़ा फोकस हो गया है वो स्ट्रिक्टली चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है देख रहा है तो ई आर एम आपको रेगुलेटर की नीड्स को भी अच्छा हेल्प आउट करने में उनको नीड को फुलफिल करने में हेल्प आउट करेगा स्ट्रक्चर करने में उनकी रिक्वायरमेंट्स को गेट get, कैटर करने में एंड सेटिसफाइड दे फ्यूडिश्री ड्यूटी बोस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक फ्यूडिश्री ड्यूटी है तो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर काम कर रहे हैं तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इफ़ दे हैव एन ईयर है तो अब हम कंक्लूड ये कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट बात भी शुरू भी इससे किया था कंक्लूड भी हम इसी से कर रहे हैं कि बेनिफिट्स आर मच मच मोर देन दॉ तो और जो प्रसप्शन है वो ठीक नहीं है कॉस्ट है बट बेनिफिट्स आर मच मच हायर कुछ शॉर्ट टर्म में आएंगे कुछ लॉन्ग टर्म में आएंगे कुछ ओवरऑल बिगर पिक्चर में नजर आएंगे बट अगेन इट इज अ वैल्यू फॉर मनी थिंग एंड सो इट शुड बी इंप्लीमेंटेड क्रॉस द बोर्ड सो पाकिस्तान और हर डेवलपिंग कंट्री को इसको स्पेसिफिकली अडॉप्ट करना चाहिए थैंक यू